गुड इवनिंग। तो गाइज अभी बज रहा है शाम के 8 और गाइज अभी जा रहे हैं एक ट्रेन पर, सॉरी वैष्णो देवी का ट्रेन पकड़ने। अभी एक ब्लॉग एंड किया और अभी एक स्टार्ट कर रहा है और अभी हाथ में है मोमोज और मम्मी सब बाहर आ गई है वेटिंग रूम से और चलते गाइज प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आ चुका है तो चलिए गाइज चलते हैं। गाइज रात में देखिए पूरा कितना भीड़ भाड़ सब है और ये पूरा न्यू दिल्ली स्टेशन है। गाइज ट्रेन पहले से ही प्रेजेंट है और इसी में बैठना है, B3 है तो चलते हैं। गाइज देखिए सीट मिल चुका है और ये रही बिपाशा, ऊपर में गेम खेल रही है, आते ही सीधा ऊपर चली गई गेम खेल रही है। और यहाँ पे नानी जी है जो कि सोई है नानी, और यहाँ पे हम दोनों भाई बहन है और अभी सब सोएंगे और अभी अपना दुकान खाना आ रहा है। गाइज यहाँ पे है मामा जी जो कि चश्मा लेकर हीरो बन रहे हैं, हाई कर दिए एक बार ऑडियंस को, एक बार कर दिया हाई। तो अभी अपना मोमोज भी आ चुका है, बहुत मस्त लग रहा है, फ्राई मोमोज है भेज वाला, तो खाते हैं इसको। और यहाँ ऊपर में बिपाशा मिठी अब सो गई है, सोने का टाइम हो गया। यहाँ पे हम मामा सोएंगे और मम्मी नीचे में है और यहाँ पे नानी जी है ऊपर सो रही है आराम से। नानी अच्छा लगा, सो जाइए और लाइट सब बंद हो गया है तो हम भी सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह, बाय बाय। हेलो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे और गाइज रात में सो गए थे और अभी उठ चुके हैं गाइज सोकर, बाकी सब सोया ही है गाइज, बिपाशा भी सोई है, मीठी भी और सब सोया है और मम्मी मामा नानी उठ गई है और हम उठ गए गाइज आपको व्यू चेक कराने के लिए। और अभी एक घंटा बाकी है इस स्टेशन कटरा पे छोड़ने के लिए ट्रेन को और गाइज आपको व्यू सब दिखाएंगे और टनल सब। और ये एसी कोच है तो इसको शीशा खोल कर आपको दिखा नहीं सकते, टनल आ गया बट दिखा देंगे जितना भी हम सोच सके, तो देखिए गाइस। तो गाइस अभी आ चुके हैं बाथरूम के बाहर और यहाँ गेट खुला है तो साइड तो नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा रहे आपको। और अभी हम टनल के अंदर है गाइस, देखिए टनल है और बाहर आ गए हैं और कुछ ऐसा व्यू है बाहर का, फिर से आ गए टनल और देखिए बाहर का व्यू और एक दो घर भी है बीच बीच में, भाई पहाड़ भयानक लग रहा है, फिर से आ गए टनल। और गाइस देखिए कितना ऊपर है हम लोग, जो पूरा बादल बादल दिख रहा है पूरा, भाई भयानक लग रहा है, दूसरी बार एक बार और आए। तो गाइस अभी चलते हैं टॉयलेट के अंदर, आपको दिखाते हैं कैसा है टॉयलेट एसी का। गाइस एसी का टॉयलेट ये है कुछ, यहाँ पे बेसिन भी है और ये सब, और ये हर स्टेशन पे साफ होता है और ये बहुत मस्त है गाइस, बहुत स्मेल भी नहीं करेगा और ये बहुत ज्यादा ही मस्त है और आप यहाँ पे हाथ भी सुखा सकते हैं। तो गाइस हमको पता चला अभी क्योंकि हम रात में सो गए थे, ये पहले से भी पता था क्योंकि नेटवर्क गायब हो गया हम लोग का, जम्मू तभी से गायब हो जाता है गाइस, जम्मू में आप एंटर करिएगा तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी सोई थी, अभी इसको बोल रहे ब्रश ढूंढ ले तब ब्रश ढूंढेगी और 8 बजे ट्रेन पहुंचेगा, शायद अभी 1 घंटा बाकी है। गाइस अभी आ चुके हैं ब्रश करने, ब्रश ले लिए है और बाहर में मामा मम्मी सब ब्लॉग बना रहा है गाइस, ब्लॉग का मामा वीडियो बना रहे हैं और मेरे पास ब्लॉग बन रहा है। और यहाँ बिपाशा है जो ब्रश कर रही है देखिए, और आपको व्यू सब भी दिखाते हैं, ब्रश भी करते हैं गाइस। पहाड़ी इलाका में कुछ ही घर मिलेगा, एक का दुक्का घर मिलेगा जो कि उधर है भाई। और अभी ये स्टेशन आ गया है, ये देखिए पूरा बादल भाई, अभी स्टेशन पे आ गए हैं। बाय डॉगी, अबे सुन वैल्यू तो दे दे यार मुझको, वैल्यू मत दिया हमको, नहीं दिया कोई बात नहीं। और अभी गाइस आ चुके बादल में, गाइस हम लोग थोड़ा देर के लिए रुके थे 1 मिनट के लिए और ट्रेन खुल गया तो क्या करे, और यहाँ पे बंदर बुंदर भी है तो चलते अंदर, देखिए दे रहे बंदर सबको गाइस, केला सब खिला दिए और आगे रही मीठी और यहाँ मामा वीडियो बनाते हुए और नानी भी ब्रश कर रही है और यहाँ भी पासा भी केला खिला दी है बंदर लोग को, इस साइड भी उस साइड भी हम लोग खिला दिए है। और गाइस ब्रश उठाते अब चलते हैं गाइस, अपना इस मस्त व्यू के साथ यहाँ पे अपना चाय भी आ चुका है तो पीते गाइस चाय। और गाइस देखिए अभी आ चुके हैं चाय पीने के बाद बाहर, क्योंकि गाइस इतना मस्त व्यू है जाने का मन नहीं करता अंदर में बैठने का। गाइस देखिए यही है माता वैष्णो रानी का पहाड़, यहाँ से रास्ता वो सब जो रास्ता दिख रहा है वो सब, ये पहाड़ नहीं पीछे वाला। तो गाइस भयानक नजारा, भयानक सा, बहुत मस्त है भाई।
गाइस फाइनली आ चुके हैं और सूर्य देव का रोशनी तो मस्त लग रहा है क्योंकि अंदर एसी था। और गाइस आ चुके हैं और यहाँ आ रहे हैं मामा जो कि बैग रखे हैं, और ये मिट्टी राई जो हुट हुट कर रही है पिपासा। और गाइस नानी सब आ रही है बाहर। और गाइस ये इंडिया का बोले तो भारत का गाइस नॉर्थ पार्ट का ये लास्ट स्टेशन है, इंडिया का लास्ट स्टेशन। इसके बाद ये पाकिस्तान आ जाएगा, तो आपको ऊपर से दिखाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं, लास्ट स्टेशन। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं। और कटरा स्टेशन आ गया गाइस फाइनली। इधर ही एक्सीलेटर नहीं है तो बैग हमी को उठाना पड़ रहा है। बोल रहे थे मामा बट हम बोले खुद ही लेंगे। और विपासा आगे चढ़ रही है, फाइनली आ गया ऊपर। और ये बाहर से कुछ ऐसा भी हुआ अभी, और उधर जाना है, उधर है बाहर का रास्ता। यही है गाइस नॉर्थ इंडिया का, तो यही है नॉर्थ इंडिया का लास्ट स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और इधर से राइट जाएंगे तो बाहर का रास्ता मिलेगा। गाइस अंदर जाने से पहले आपका बैग सब चेकिंग होगा और उसके बाद ही अंदर जाइएगा। ये गाइस वहां तक है इंडिया का लास्ट स्टेशन और उसके बाद होगा पाकिस्तान। और ये सब रहा गाइस व्यू पूरा भयानक सा कटरा स्टेशन का। गाइस आप आइएगा तो टिकट जरूर रखिएगा, जिससे आए होंगे तभी आप बाहर जा सकते हैं। गाइस चेकिंग चुकिंग से आ चुके हैं और ये है कुछ बाहर का भाई। ये तो एयरपोर्ट इतना बड़ा लग रहा है, कटरा का है स्टेशन और देख सकते हैं गाइस। और चलते हैं आप टेम्पू देखते हैं बाहर। और गाइस ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है अपने ऊपर से, और वहाँ चंद्रमा भी उगी है और हेलीकॉप्टर जा रहा है। गाइस आ चुका है, यही में जाएंगे अपना लोग, टैक्सी है तो चलते हैं गाइस इसके अंदर। सामान सब ऊपर में रख दिए गाइस बैग बुक, और अंदर में बैठते हैं गाइस। हम आगे बैठेंगे क्योंकि वीडियो सब भी शूट करना है, तो आगे ही बैठेंगे। और ये कुछ ऐसा टैक्सी है गाइस, क्वाइटा का है भाई, टैक्सी भयानक है, ओल्ड मॉडल। तो गाइस ये भैया ये चलाएंगे और हम आगे बैठ गए हैं। गाइस यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं लोग, बट नानी सब है इसीलिए हम लोग नहीं गए पैदल, तो बाइक सॉरी कार से ही जा रहे हैं। और ये बगल में ही है, आप भी पैदल जा सकते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं चौक पे और यहीं से कल शुरुआत करेंगे चलने का, और आज तो नहीं, और इधर पर्ची कटेगा कल। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा रूम पे, अपना रूम उधर रहेगा गाइस, पहले भी उधर ही आए थे। और यहाँ सामान सामान उतर गया है अपना। गाइस पहुंच चुके हैं, ये रहा कुछ होटल बाहर का देख सकते। गाइस ये दोनों रूम है अपने लोग का, 106 107, तो ये हो गया है सेट। और देख सकते हैं ये कुछ रूम है गाइस, ये सिंगल बेड का और डबल बेड वाला भी है। और देखिए ये है बाथरूम कुछ, और यह गीजर भी लगा है। फर्स्ट रूम ये रहा, यहाँ टीवी भी है, यूज कर सकते हैं। ये रहा डबल बेड वाला रूम जो कि एक बेड दो बेड, और ये सब कुछ है बाहर का। इसमें ये टीवी है सेट, और ये दिखा रहे हैं आपको टॉयलेट। ये रहा गाइस टॉयलेट, गीजर भी है, हाँ ये दोनों। गाइस आज का ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया, तो यहीं पे गाइस ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जाएंगे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने, वो देखिएगा। तो गाइस बाय बाय।